जय श्री कृष्णा मेरे फ्रेंड्स, मेरी सहेली, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, नवदुर्गा चल रहे हैं, तो मेरी तरफ से आप सभी को नवदुर्गाओं की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। तो देखो, माता रानी आपके लिए इन नवदुर्गा बहुत सारी खुशियां लेकर आए, ये मेरी तरफ से आप सभी को आशीर्वाद है और दुआएं। तो देखो, इन नवदुर्गाओं के लिए मैं आपके लिए बहुत ही सरल, बहुत ही प्यारी, बहुत ही आसान ढोलक की वीडियो लेकर आई हूँ। और इसीलिए मैं आसान लेकर आई हूँ, इन नवदुर्गा आपसे मेरी ढोलक सीखकर आप और भजन गाएं और खुशियाँ मनाएं, मेरी बस यही तमन्ना है, यही दुआ है। इसीलिए मैं बहुत आसान वीडियो लाई हूँ। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करना। तो अब शुरू करते हैं हम वीडियो। तो देखो, ये थापी वाला हिस्सा है, तो इधर जो है हम थापी बजाते हैं, जहाँ हमारी ढोलक की भारी आवाज होती है उधर थापी बजाई जाती है। तो इधर हमारी भारी आवाज है और इधर महीन आवाज है। तो इधर भारी आवाज की तरफ थापी बजाएंगे, चाहे आपका सीधा हाथ चले चाहे आपका उल्टा हाथ चले, तो आप उसी से थापी बजा सकती हो। मेरा हाथ ये उल्टा चलता है, यानी बायां हाथ चलता है थापी पर, तो मैं इससे बजाती हूँ और इससे मैं चाटी बजाती हूँ। आपका जो सा भी चले आप उसे बजा सकती हो। तो ये वाली ढोलक हम चार गिनतियों में लाए हैं और इसमें तीन थापी आएंगी और एक चाटी आएगी। एक चाटी हमारी थापी के साथ ही आएगी, एक चाटी हमारी बाद में आएगी, यानी या दो चाटी समझ लो, इसमें दो चाटी आएंगी, एक थापी के साथ आएगी और एक चाटी हमारी बाद में आएगी। तो देखो, हम थापी कैसे मारेंगे, ये हम तीन गिनती में ये थापी मारेंगे, एक दो, ये दो गिनती हम जल्दी जल्दी बोलेंगे और जल्दी जल्दी थापी मारेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। देखो इस तरीके से, हम इधर तापी मारेंगे सिर्फ तीन गिनती में और तीन तापी मारेंगे। इसमें हमारा बंद बेस नहीं है, यानी खुले बेस मारेंगे, इसमें बंद बेस नहीं मारते। अब ये है हमारा चाटी का हिस्सा, इधर महीन आवाज होती है तो इधर हम चाटी लगाते हैं। तो इस वाली ढोलक में हमें सिर्फ एक चाटी बाद में मारेंगे, एक चाटी हमारी इस ये थापी के साथ आएगी। तो हमें कैसे मारनी है चाटी, तीसरी गिनती में हम ये चाटी मारेंगे पहली। तो देखो, हम लगा के दिखाते हैं, एक दो तीन। तो हम सिंपल वाली चाटी मारेंगे पहले, थापी की तरह ही, तीसरी थापी के साथ हम ये वाली भी इसके साथ साथ मारेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन। तो चौथी गिनती में हम पहले ये उंगली मारेंगे और चार, ये तीन उंगली मार के हम चौथी गिनती गिनेंगे। तो फिर से बताती हूँ आपको, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तरीके से हमारी ये वीडियो आएगी, बहुत ही आसान वीडियो है बहनों, बहुत ही सरल वीडियो है और ये आपसे बहुत जल्दी आने वाली है। अब माता रानी के गीत गा सकती हो आप, लेकिन ढोलक सीखने में बहनों प्रैक्टिस तो बहुत होती है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगी तो आप इन नवदुर्गा में मेरी ढोलक जरूर बजा लोगी। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, आसान, बहुत सरल और आसान वीडियो है, तो बहुत जल्दी आ जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करोगी। तो फिर से मैं आपको बजा के दिखाती हूँ, दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो
फ्लेम हमारे इस तरीके से दोनों हाथ आ रहे हैं, तो कैसे बजाएंगे? एक दो तीन, एक दो तीन चार, तो देखो मैं आपको जल्दी जल्दी बजा के दिखाती हूँ। तो कैसे बजेगी हमारी ये ढोलक? तो देखो मेरी ढोलक की कमेंट पर, बहनों की कमेंट आई थी मेरे वीडियो पर, मेरी ढोलक की वीडियो पर, तो बहनों ने बोला था कि हमारे दोनों हाथ एक साथ नहीं चलते हैं, तो उनकी वजह से मैं ये वाली वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने पहले भी कई वीडियो ऐसी डाल रखी हैं जिनमें दोनों हाथों को एक साथ नहीं चलाना होता, बहुत ही प्यारी बहुत ही सरल वीडियो डाल रखी है। ये वाली भी वीडियो मैं इसलिए लाई हूँ कि ऐसे साथ साथ दोनों हाथों को बजाना नहीं होता, बस एक चाटी इस तरीके से, तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी और बाद में हम चाटी मारेंगे, इसमें हमें तापी नहीं बजानी। इसीलिए ये बहुत ही आसान वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर मेरे वीडियो पर कमेंट आई थी, तो इसीलिए मैं उन बहनों को कहना चाहती हूँ, उन्हीं की कमेंट की वजह से मैं ये आसान ढोलक लेकर आई हूँ, तो आप इसको जरूर सीखें। तो देखो कैसे बजाएंगे, एक दो तीन चार, दो तीन चार, देखो हम इसको जल्दी जल्दी कैसे बजाएंगे। तो बहनों इसको हम धीरे भी बजा सकते हैं और जल्दी जल्दी भी बजा सकते हैं, जैसा गाना आएगा उसी हिसाब से ढोलक हम बजा सकते हैं। तो देखो मैं आपको सामने दिखाती हूँ, तो ये हमारी ढोलक कैसे बजेगी। तो देखो हम ये तीन थापी मारेंगे, यानी पहले दो थापी मारेंगे, तीसरी थापी के साथ दोनों हाथों को मारेंगे, तो आप जरा ध्यान से देखें, गौर से देखें। तो देखो इस तरीके से, एक दो तीन, एक दो तीन, इस तरीके से, और ये उंगली मार के, और ये तीन उंगली में हम चौथी गिनती गिनेंगे, चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। जब तक हमारी ये पूरी चाटी का बेस पूरा नहीं कर लेते तब तक हमारे ये हाथ ऐसे ही ढोलक से लगा रहता है, और ये हमारा चाटी वाला प्रोसेस पूरा हो जाए फिर इस हाथ को उठा के थापी मारते हैं। तो देखो दोबारा से देखें ध्यान से, अब ये हमारी ये तीन उंगली यहां लग रही है, एक उंगली हमारी ऊपर है, फिर हम इस हाथ को उठाएंगे, फिर दो थापी मारेंगे, एक दो तीन, तीसरी के साथ हम इसको भी उठाएंगे, एक दो तीन चार, 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 इसको मारते हैं तो ये उंगली हम ऊपर करते हैं, ये तीन उंगली मारते हैं तो ये उंगली हम ऊपर करते हैं। ये इस तरीके से आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, तो देखो कैसे लगाना है। तो बहनों आप मुझसे कमेंट जरूर करना मेरे पास,
जिससे कि मुझे पता चले कि आपसे कितनी ढोलक आई कितनी नहीं आई और क्या समझ में आई क्या नहीं आई। तो देखो फिर से हम मिलान दिखाते हैं, उसके बाद हम गाना गाएंगे फिर एंड करेंगे। देखो 9 दिन माता रानी के 9 दिन आते हैं, माता रानी को मुबारकबाद देते हैं। तो देखो हम मुबारकबाद का, माता रानी के मुबारकबाद का ये हम भजन सुनाने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा भजन है। तो देखो हम सुनाते हैं, आपको कैसा लगेगा आप हमें जरूर बताना। बहुत ही प्यारा भजन लगता है ये, माता रानी को मुबारकबाद का भी हो जाता है और 9 दिन के ऊपर ये भजन है, बहुत ही प्यारा भजन है। तो आपको ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।